नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आने वाली 29 तारीख यानी 29 सितंबर से हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व यानी कि नवरात्र शुरू होने वाले हैं। इस पर्व को देश के कोने कोने में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व पर पूरे 9 दिनों तक माँ देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान कलश स्थापना या घट स्थापना का बहुत ही महत्व है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कलश स्थापना की शास्त्रोक्त विधि क्या है यानी शास्त्रों अनुसार कलश स्थापना किस प्रकार से की जाती है और इसके शुभ मुहूर्त क्या है यानी किस मुहूर्त में किस अच्छे समय में कलश की स्थापना की जाए, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो पहले हम बात करेंगे विधि की यानी किस प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है, और फिर हम बात करेंगे उसके मुहूर्त की कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हम कलश स्थापना की विधि की कि किस प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है। कलश का मतलब हम घट भी बोलते हैं। घट स्थापना की क्या विधि है जो कि शास्त्रोक्त विधि है, शास्त्रों के हिसाब से किस प्रकार घट की स्थापना करते हैं, अब मैं वो आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठ के पहले जहाँ पर कलश की स्थापना करना है उसकी आपको साफ सफाई करना है। उसके बाद आपको स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनना है और फिर कलश स्थापना करने की जो तैयारी है उस तैयारी को करना है। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, मतलब उसके लिए क्या सामग्री आपको चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ। हल्दी, कुमकुम, सुपारी, लौंग, इलायची, जो एक सिक्का रखना है आपको साथ में, फिर चंदन, अक्षत, फिर मोली का आपको धागा रखना है और फूल रखना है। इसके बाद आपको एक नारियल भी चाहिए रहेगा, और फिर उस कलश में आपको भरने के लिए आपको गंगा जल की जरूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों को आपको एकत्रित करना है और इसके बाद आपको पूजा का संकल्प लेना है कि हे माता, मुझे ये 9 दिन जो कि नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, इनमें बिना किसी परेशानी के मैं आपकी पूजा अर्चना करूं, इसके लिए मुझे शक्ति प्रदान करें। फिर एक लकड़ी का आपको पट्टा लेना। देखिए, जैसे ये सामने एक लकड़ी का पट्टा रखा है, इस लाल कपड़ा बिछाने के बाद हम किसी पवित्र नदी की अगर रेत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेत ना मिले तो आप मिट्टी भी ले सकते हैं। अगर दोनों उपलब्ध है आपके पास तो दोनों को मिला के वहाँ पर पहले एक चबूतरा बनाना है। चलिए, अब बेदी बनके तैयार हो गई है, अब इसके ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे। ये स्वास्तिक बनके तैयार है, अब स्वास्तिक के बाद अब हम इस पे कलश की स्थापना करेंगे। तो चलिए, अब कलश किस प्रकार से तैयार करते हैं अब वो देखते हैं हम लोग। तो कलश आप किसी भी तरीका ले सकते हो, आप सोने का कलश ले सकते हो, आप चांदी का कलश ले सकते हो, या तांबे का ले सकते हो, या मिट्टी का ले सकते हो, जो भी कलश आप ले सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी शक्ति हो, उस प्रकार का कलश आप ले सकते हो। कलश पे सबसे पहले आपको एक स्वास्तिक बनाना है। इस कलश में आपको गंगा जल डालना है। गंगा जल के बाद इसमें लौंग, इलायची, सुपारी, रोली, कलावा, चंदन, अक्षत, हल्दी, एक सिक्का, फूल, ये सभी चीज़ आपको कलश में डालना है। इसके बाद आप फिर कलश को पूरी तरीके से पानी से भर देना है, जल से भर देना है, इस तरीके से। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाना है इस तरीके से। बाद आप एक प्लेट में चावल भरकर उस कलश के ऊपर रख दें, फिर चुन्नी लिपटा हुआ एक श्रीफल यानी कि जिसको हम नारियल कहते हैं वो उसके ऊपर स्थापित करें। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो एक दूसरा भी तरीका है, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप नारियल के ऊपर मोली को लपेट देंगे पूरी तरीके से, इस टाइप से पूरे लपेट देंगे, और लपेटने के बाद बस उसके बाद आप इसको स्थापित कर देंगे। देखिए किस तरीके से, ऐसे, यानी कि उसका जो मूछ वाला पार्ट है वो ऊपर रहेगा और जो मुँह वाला पार्ट है वो नीचे रहेगा। इस तरह से आप उसको स्थापित कर सकते हैं। अब हमें शुभ मुहूर्त देखना है और शुभ मुहूर्त के हिसाब से इस कलश को उस बेदी के ऊपर स्थापित करना है। चलिए, अब हम शुभ मुहूर्त देखकर
कलश को स्थापित करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम वेदी की पूजा करेंगे, रोली चावल अक्षत से फूल से सभी से पहले वेदी की पूजा करना है। और पूजा करने के बाद इसके लिए हम पहले उस पर गेहूँ और जो डालेंगे, अब इस कलश को हम उसके ऊपर स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के लिए अगर घर में आपके घर कन्याएं हो तो आप कन्या से अवश्य करवाएं, अगर कन्या नहीं हो तो कोई बात नहीं। इस विधि से अगर आप कलश की स्थापना करते हो तो 9 दिन तक आपको माँ भगवती की कृपा का प्रसाद मिलता रहेगा और भविष्य में आपको इसका फल मिलेगा जो कि आप प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। तो पहला मुहूर्त है सुबह 7:48 से 9:18 तक, दूसरा मुहूर्त है 9:18 से 10:47 तक, तीसरा मुहूर्त है 10:47 से 12:17 तक, चौथा मुहूर्त है 1:47 से 3:16 तक, पांचवा मुहूर्त है 6:47 से 7:16 तक, छठा मुहूर्त है 7:46 से 9:11 तक। एक और मुहूर्त भी है वो है दोपहर 11:48 से 12:35 तक। ये मुहूर्त को ही अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। इनमें से किसी भी मुहूर्त पर आप कलश की स्थापना कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।